आपको होममेड आइसक्रीम पाउडर बताया है कि घर पर हम आइसक्रीम पाउडर किस तरह से तैयार कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। परंतु वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने आपको आइसक्रीम बना के नहीं बताई। आज मैं आपको ये होममेड आइसक्रीम प्रीमिक्स पाउडर जो है उससे मैं आपको तीन तरह की आइसक्रीम बनाना बता रही हूँ। पहला पाउडर जो कल मैंने आपको बताया था, चॉकलेट आइसक्रीम का पाउडर बताया है मैंने, इसे मैं आपको चॉकलेट आइसक्रीम बता रही हूँ। दूसरा पाउडर मैंने आपको वेनिला आइसक्रीम का बताया है। तीसरा है ऑरेंज आइसक्रीम का पाउडर। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मैंने दूध लिया है, फुल फैट मिल्क लिए। जब भी हम आइसक्रीम बनाएं दूध का हमेशा ध्यान रखें कि दूध हमारा फैट से भरपूर हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसमें फैट हो तो हमारी आइसक्रीम अच्छी बनती है। यदि हम मलाई निकले दूध की आइसक्रीम बनाएंगे तो हमारी आइसक्रीम कभी अच्छी नहीं बनेगी और बहुत ज्यादा बर्फ के क्रिस्टल आएंगे। पहले मैं आपको होममेड चॉकलेट आइसक्रीम के पाउडर से चॉकलेट आइसक्रीम बनाना बता रही हूँ। इसके लिए एक बड़े बर्तन में चॉकलेट आइसक्रीम का पाउडर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, कल बताया है, और इसका इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ। ये देखिए, अब इस पाउडर को हम रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ आधा कप दूध है, आधा कप दूध है इसमें हम डालेंगे और इसे मिक्स करें, क्योंकि एकदम हम उबलते हुए दूध में डालेंगे तो लम्स आ जाएंगे। इसे हल्के कुनकुने दूध में या रूम टेम्परेचर में रखे हुए दूध में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। ये जब तक के हम मिक्स कर रहे हैं तब तक के एक कप दूध हमें लेना, इस इतने से पाउडर के लिए हमें एक कप दूध लेना है। इस एक कप दूध को मैं सबसे पहले उबलने रख रही हूँ। ये देखे, चॉकलेट आइसक्रीम पाउडर हमारा रूम टेम्परेचर में रखे हुए दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो गया। आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी लम्स नहीं आए हैं, इसी तरह होना चाहिए। एकदम फ्रीज का ठंडा दूध नहीं ले, नहीं तो इसमें क्योंकि पाउडर अच्छी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैंने रूम टेम्परेचर में रखा हुआ दूध लिया है। अब इस चॉकलेट पाउडर को हम उबलते हुए दूध में डालेंगे। ये देखिए, दूध एक कप दूध लिया है मैंने, जो कि उबलने लगा है। अब ये चॉकलेट जिसे मैंने घोल के रखा है, इसमें चॉकलेट मिक्स पाउडर जो हमारा है, इसे मैं इस उबलते हुए दूध में डालूंगी। गैस की फ्लेम मीडियम में रखें ताकि नीचे से चिपकने ना पाए। अब इसे हमें सिर्फ 2-3 मिनट ही पकाना है ताकि हमारे सभी पाउडर जो है इसमें वो अच्छी तरह से पक जाएं। एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। ये देखें, चॉकलेट आइसक्रीम का पाउडर डालकर दूध में मैंने 2-3 मिनट इसे पका लिया है। इसमें एक उबाल आ चुका है, अब हम गैस बंद कर सकते हैं और इस मिक्सचर को अब ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे फ्रीजर में रखेंगे। तो वेनिला आइसक्रीम बता रही हूँ, वेनिला प्रीमिक्स पाउडर से वेनिला आइसक्रीम बनाना बता रही हूँ। इसके लिए भी हम सेम पाउडर लेंगे। एक कप दूध लिया है, आधा कप से कम मैंने ठंडा दूध लिया है, रूम टेम्परेचर पे रखा, जिसमें मैं इस पाउडर को, वेनिला आइसक्रीम के प्रीमिक्स पाउडर को डिजॉल्व करूंगी। कभी भी गर्म दूध में ना करें, नहीं तो लम्स आ जाएगा। रूम टेम्परेचर में रखा हुआ दूध होना चाहिए। ये देखें, मैंने इतना दूध लिया है ताकि हमारा ये पाउडर इसमें घुल जाए और बिल्कुल भी लम्स ना आने पाए। इसके अलावा जो मैंने एक कप दूध लिया है इसे अब मैं उबलने रख रही हूँ। ये देखिए, हमारा वेनिला आइसक्रीम का पाउडर भी इस दूध में डिसॉल्व हो चुका है। आप देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं आए हैं रूम टेम्परेचर में रखे हुए दूध में। अब इसे मैं उबलते हुए दूध में डालूंगी। ये देखिए, हमारा दूध उबल चुका है। वेनिला प्रीमिक्स पाउडर जिसे मैंने हल्के दूध में गर्म में डिसॉल्व करके रखा था वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इस उबलते हुए दूध में। और अब इसे हमें 2-3 मिनट पकाना है एक उबाल आए तक के, फिर हम गैस बंद करेंगे। ये हमारा वेनिला आइसक्रीम की तैयारी हो गई। ये देखिए, वेनिला आइसक्रीम का मिक्सचर भी हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अब हम गैस बंद करते हैं और इस मिक्सचर को भी ठंडा करके फ्रीजर में सेट होने रखेंगे। होममेड इंस्टेंट आइसक्रीम का ये जो पाउडर है उसका तीसरा पाउडर है हमारा ऑरेंज फ्लेवर की आइसक्रीम बता रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज इमल्शन ऐड किया है। इसमें भी हमें उसी प्रोसेस को दोहराना है। पाउडर लेंगे हम, एक कप दूध लिया है जिसे मैंने उबलने रख रही हूँ, आधा कप मैंने रूम टेम्परेचर में रखा हुआ दूध लिया है जिसे मैं इस पाउडर में डालूंगी और इस पाउडर को धीरे धीरे मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल भी लम्स ना आने पाए और इस दूध को मैं उबलने रख रही हूँ। ये देखिए, दूध उबल चुका है। अब मैं ऑरेंज आइसक्रीम का पाउडर जिसे कि मैंने ठंडे दूध में डिसॉल्व करके रखा है, रूम टेम्परेचर में रखे हुए दूध में डिसॉल्व किया है, उस पाउडर को मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसे भी हमें सिर्फ 2-3 मिनट तक पकाना है, एक उबाल आने तक के हमें इसे पकाना है। उसके बाद हम गैस बंद करेंगे और तीनों मिक्सचर को ठंडा होने रखेंगे। ये देखिए, वेनिला आइसक्रीम का मिक्सचर ठंडा हो गया है, इसे मैंने एक डब्बे में जिसमें सेट करना है रख दिया है। वैसे ही मैंने चॉकलेट आइसक्रीम का ये जो हमारा मिक्सचर है वो भी बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। इसे भी जिस कंटेनर में हमें सेट करने रखना है उसमें हम इसे डालेंगे और फिर हम तीनों का ढक्कन लगाएंगे। तीसरा मिक्सचर भी मैं आपको बता रही हूँ,
तीसरा हमारे ऑरेंज आइसक्रीम का मिक्सचर है, बस तीसरे आइसक्रीम का हमारा मिक्सचर ऑरेंज मिक्सचर जो है वो भी मैं एक डब्बे में डाल रही हूँ। थोड़ा सा भी ठंडा करें इसे, थोड़ा सा गर्म है। तीनों मिक्सचर हमारे जब बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब मैं इन सबका ढक्कन लगा रही हूँ और इसे अब मैं फ्रीजर में रखूंगी। कम से कम 3 से 4 घंटे हमें इसे फ्रीजर में रखना है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, कल जो मैंने आपको 3 तरह की आइसक्रीम बताई थी, आइसक्रीम पाउडर बनाना भी बताया था पिछले वीडियो में, और उसकी लिंक, उस पाउडर आइसक्रीम पाउडर की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग चेक करिएगा। ये देखिए वो तीनों आइसक्रीम जो मैंने अपने होममेड पाउडर से बताई थी, तीनों आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी है। ये चॉकलेट आइसक्रीम है, ये हमारी वैनिला आइसक्रीम है, ये हमारी ऑरेंज आइसक्रीम है। अब तीनों आइसक्रीम को हमें फेंटना है। ये देखिए इस तरह से नाइट से हम कट का निशान लगा लें, बिल्कुल हमारा बेस टाइट होना चाहिए तब हम उसे फेंटे। ये आप देख रहे होंगे फिलिप्स का हैंड ब्लेंडर है, आइसक्रीम फेंटने के लिए स्पेशली ये आता है। जब मैंने लिया था 5 साल पहले तो इसकी कीमत थी 1600, आज इसकी कीमत 1700 से 1800 है। बहुत ही यूजफुल है। ये देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने नाइट से कट का निशान लगाया है। अब इसे मैं 5-1 मिनट फेंटूंगी। जब तक कि हम इसे फेंट रहे हैं बाकी दोनों आइसक्रीम हम फ्रीजर में रख दें ताकि ये मेल्ट ना होने पाए। ये देखिए इसे फेंटते हुए 5 मिनट हो गया है। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी हमारे आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार हुआ है। ये होममेड आइसक्रीम का मिक्सचर है दोस्तों। अभी इसे हमें 2-3 मिनट और फेंटना है ताकि और भी ज्यादा ये फ्लफी हो जाए। ये देखिए हमारे चॉकलेट आइसक्रीम का वॉल्यूम जस्ट डबल हो चुका है। अब इसे हम कवर करके तुरंत फ्रीजर में रखेंगे। और ये वैनिला आइसक्रीम है, ये भी मैंने जो पाउडर आपको सिखाया है बनाना उसी से ही बनाया है। इसमें भी हम इस तरह से कट का निशान लगाएंगे और इसे भी हम 10 मिनट तक के फेंटेंगे। से मैंने आपको बताई है, आप चाहे तो ऑरेंज की जगह आप पाइनएप्पल फ्लेवर भी यूज कर सकते हैं, पाइनएप्पल की जगह आप मैंगो इमल्शन भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पसंद का फ्लेवर है। इस तरह से इसमें भी कट का निशान लगाएंगे और इसे भी हम 10 मिनट तक के लगातार फेंटेंगे। ये देखिए तीनों आइसक्रीम को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट दिए, आप देख रहे होंगे ऑरेंज आइसक्रीम स्पॉट में इतनी सी थी और इसका वॉल्यूम डबल हो चुका है। ये देखिए तीनों आइसक्रीम को मैंने 10 मिनट तक के फेंट दिया है। इसमें मैंने बिल्कुल घर की मलाई ऐड नहीं की है, ना फ्रेश क्रीम की जरूरत है हमें, क्योंकि मैंने इसमें सबसे शुरू में इसका जब पाउडर हम बनाते थे तभी मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, इसलिए हमें घर की मलाई डालने की जरूरत नहीं है। थोड़े से चॉकलेट के बारीक पीस से हम इसे ऊपर से डालें ताकि हमारी आइसक्रीम दिखने में भी सुंदर लगे। अब इन तीनों आइसक्रीम का ढक्कन लगाकर मैं फ्रीजर में रख रही हूँ। 4 से 5 घंटे में हमारी आइसक्रीम सेट हो जाएगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारी आइसक्रीम कैसी जमी। ये देखिए कल जो मैंने आपको होममेड आइसक्रीम प्रीमिक्स पाउडर से जो आइसक्रीम बताई थी, हमारी तीनों आइसक्रीम सेट हो गई है। आप देख रहे होंगे वैनिला आइसक्रीम, हमारी चॉकलेट आइसक्रीम, मैंने थोड़ी सी चॉकलेट इसमें ऊपर से भी क्रश करके डाल दी है ताकि खाने में और मजा आए, और ये हमारी ऑरेंज आइसक्रीम। आप चाहे तो इसमें कोई भी फ्लेवर का बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों होममेड पाउडर से कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। तीनों आइसक्रीम में मैंने सिर्फ 1-1 कप दूध का यूज किया है। अब इसे मैं सर्व कर रही हूँ। दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए इसे इस तरह से सर्व करें।
और इसमें मैं एक एक ओरियो बिस्किट के साथ सर्व कर रही हूँ वेनिला आइसक्रीम। ये देखिए थोड़े से सिल्वर बॉल से इसे गार्निश करें चॉकलेट आइसक्रीम को, दिखने में भी सुंदर लगेगी और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स यदि ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।